ग्राम उकवा में ग्रामीणों की सुनी समस्या। मंगल भवन उकवा में जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत उकवा के नव निर्वाचित सरपंच पिंकी छत्रिया, उप सरपंच शिव शंकर तिवारी एवं सचिव सरिता वलके, सहायक सचिव प्रीति सहारे तथा नोडल अधिकारी नीलकंठ बिसेन, परसवाड़ा एवं उपयंत्री कस्मीन शेख, परसवाड़ा तथा वार्ड पंचगढ़ एवं ग्रामीणों के द्वारा जन समस्या शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। उकवा के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास हेतु तथा पेंशन प्रकरण हेतु पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से आवेदन जमा कराया गया। वहीं नवनिर्वाचित सरपंच एवं नवनिर्वाचित उप सरपंच तथा नोडल अधिकारी के द्वारा बताया गया कि यह जो शिविर लगाया गया है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाया जाए एवं पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ दिलवाया जाए। इसका उद्देश्य क्या था जी? गांव के हित में जो भी शिविर रखा गया उसका उद्देश्य ये था कि आवास योजना जिनको प्राप्त नहीं हुआ है और पेंशनधारी जो 60 वर्ष के हो चुके हैं उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, इसी के कारण रखा गया था जी। अच्छा, आपका परिचय? श्रीमती पिंकी गोकुल क्षत्रिया, उपा सरपंच। जो यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया था, तो शिविर का उद्देश्य क्या है? ये शिविर का उद्देश्य है कि जनता को अधिक से अधिक शासन की योजनाओं का लाभ मिले। कौन कौन सी योजना है इसमें? सभी पेंशन वाली योजना है और जनता से जुड़ी हुई जितनी भी योजना है यानी हितग्राही मूलक, उन्हीं पे यानी आवेदन मंगाए थे और शिविर रखा गया था उसका। तो जिसमें आवास के 240 आवेदन प्राप्त हुए हैं और पेंशन के 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं। और बाकी कोई? बाकी निरंक है। बाकी निरंक है। कितने बजे से कितने बजे तक रखा गया था सर? ये सुबह 11 बजे से 4 बजे तक चालू है। आपका परिचय? मैं नीलकंठ बिसेन, पंचायत समन्वय अधिकारी हूँ। आज के शिविर का मुझे नोडल बनाया गया था। शासन के द्वारा शिविर का आयोजन यहाँ उकवा ग्राम पंचायत के तत्वाधान में किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? शिविर का उद्देश्य मूल रूप से ये था कि जनहितकारी योजनाएं शासन की, जैसे इंदिरा आवास, अपना ये पीएम आवास, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन या अन्य जो भी योजनाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को उसका लाभ पहुंचाना था। अच्छा, कितने आवेदन आए, कुछ जानकारी है इसके बारे में? लगभग 350 के आसपास मिला के हैं सब। 350 के आसपास। इनका लाभ हितग्राही को कब तक मिल जाएगा? अब इसकी संभावना तो परीक्षण के बाद ही बताया जा सकता है। सत्यापन होगा कि क्या है, मतलब इसमें कमियां क्या हैं, क्या कैसे हैं। कोशिश तो यही रहेगी कि जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। उकवा से अशोक राउत। ऐसी ही खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबरें पसंद आए तो खबरें शेयर करें।